नमस्ते, इस वीडियो में इंटरमीडिएट के सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवनी और साहित्यिक परिचय लेकर आए हैं। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, जिसके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपने परीक्षा में इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, इसके बाद साहित्यिक परिचय देंगे। तो जीवन परिचय देखिए, क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। दिनकर जी का जन्म स्थान है बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया में। कब? सन 1908 ईस्वी में उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। दिनकर जी बीए उत्तीर्ण करके एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किए। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। यह भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। सन 1974 में इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। तो ये संक्षिप्त में इसी तरह से जीवन परिचय लिख देना है। इसके बाद दूसरा हेडिंग आप डालेंगे साहित्यिक परिचय। तो देखिए, अपनी कविताओं से लोगों के मन में नई स्फूर्ति भर देने वाले राष्ट्रीय कवि दिनकर जी छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। दिनकर जी की काव्य प्रतिभा ने उन्हें अपार लोकप्रिय बना दिया, मशहूर कर दिया। उन्होंने सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्रप्रेम, लोक कल्याण आदि विषयों पर काव्य रचना की। उनकी राष्ट्रीय प्रेम पर आधारित कविताओं ने जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया है। वह एक क्रांतिकारी कवि थे। आपने रश्मि रथी एवं कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में अपनी जिस प्रतिभा का परिचय दिया, वह अविस्मरणीय रहेगा। ये हो गया आपका साहित्यिक परिचय। अब रचनाएं लिखेंगे। देखिए रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। याद रखिएगा, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा भी जा सकता है बहुविकल्पीय के रूप में। अब आखिरी में आप जो हेडिंग बनाएंगे वो होगा साहित्य में स्थान। इसमें क्या लिखेंगे? दिनकर जी की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। हिंदी काव्य जगत में क्रांति, ओज और प्रेम के सर्जक के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है, नहीं भूला जा सकता। विशेष रूप से राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में उनका विशेष स्थान है। उनकी भाषा में ओज और भावों के क्रांति की ज्वाला है। वे भारतीय संस्कृति के रक्षक, क्रांतिकारी चिंतक, युग का प्रतिनिधित्व करने वाले अमर कवि थे। तो ये हो गया दिनकर जी का जीवनी, साहित्यिक परिचय, प्रमुख रचनाएं और साहित्य में स्थान। इसी तरह से आपको अपने बोर्ड परीक्षा में हेडिंग डालकर लिख देना है, आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और भी जितने साहित्यिक परिचय हैं चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसका वीडियो देख लीजिएगा। आपको 80 शब्द के अंदर ही लिखना होता है, इसके लिए निर्धारित शब्द सीमा 80 शब्द ही है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।